राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आश्विन मास में आने वाली इंद्रा एकादशी कब है। इंद्रा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। बंधुओं इंद्रा एकादशी 1 अक्टूबर की है या 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बंधुओं पौराणिक शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। वर्ष 2021 में यह एकादशी 2 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी। बंधुओं कहा जाता है पितरों की आत्मा की शांति और उनके उद्धार के लिए यह एकादशी बहुत ही फलदायी है और इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इंद्रा एकादशी के दिन शालिग्राम की मूर्ति का पूजन किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कोई भी मनुष्य यदि इंद्रा एकादशी का व्रत रखता है और पितर तर्पण और ब्राह्मण भोजन करवाता है तो उसके पितरों को अवश्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इंद्रा एकादशी व्रत करने के अनेक पुण्य लाभ भी हैं। बंधुओं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करें, अपने पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए यह प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। एकादशी पूजन में शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करें, फिर शालिग्राम की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। हे अच्युत हे पुंडरीकाक्ष मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। पूजा के दौरान यह प्रार्थना करें। पूजा के दौरान मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने पर शालिग्राम की मूर्ति की आरती करें। पूजा के बाद नियमों का खास ध्यान रखते हुए ब्राह्मण भोजन तैयार करें और उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा भी दें। बंधुओं इंद्रा एकादशी 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को रात्रि से शुरू होगी और शनिवार 2 अक्टूबर रात को 11:10 पर समाप्त होगी। इंद्रा एकादशी पारण का समय रविवार 3 अक्टूबर 2021 को सुबह 6:15 से 8:37 प्रातः काल ही रहेगा। इंद्रा एकादशी व्रत कथा। पितृ पक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इंद्रा एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। पूजा और प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग बहुत जरूरी माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हे जनार्दन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपा करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा हे राजन इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा
पुत्रों पोत्रों और धन धान्य से संपन्न विष्णु का परम भगत था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उसको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधरे दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील असत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा या रहूंगी। समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा या करूंगी। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस इंद्रा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।